हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने 7 पार्ट ईडियम्स एंड फ्रेजेस के पहले कंप्लीट कर चुके हैं। 7 पार्ट में मतलब हम लोग 70 ईडियम्स लगभग कर चुके हैं और यह पार्ट नंबर हमारा 8 है। यह पार्ट नंबर 8। अब इस पार्ट नंबर 8 में हम लोग कुछ और ईडियम्स के साथ आए हैं। ये ईडियम्स क्या है, एक बार इनको देख लेते हैं। वाइल्ड गूज चेस बहुत बार आया है हमारे एग्जाम्स में। विद ओपन आर्म्स शायद हम लोगों ने नहीं पढ़ा हो। अप्स एंड डाउन्स हम लोग बोलचाल में बड़े यूज़ करते हैं। वाइट एलिफेंट पहले भी हम लोगों ने कर दिया है। स्पिल द मेज, टर्न द कोट, टेक समबडी फॉर अ राइड, ऑयली टंग, पास्ट मास्टर, वंस कप ऑफ टी, ये सारे इडियम्स हम लोग डिस्कस करेंगे और इनको साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इनका मीनिंग क्या है और इनको याद क्या करना है, कैसा तरीके से याद करना है। तो सबसे पहले है हमारे पास वाइल्ड गूज चेस। अच्छा, चेस का मतलब होता है पीछा करना और वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, है ना, और गूज का मतलब आप देखेंगे। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है वो तो सब हम लोग बाद में याद करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने चेस का देखा। चेस का मतलब पीछा करना होता है। और मान लीजिए आप जंगली, आप ऐसा करके याद रखें कि जंगली सुअर का आप पीछा कर रहे हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब ऐसा कुछ आप पीछा कर रहे हो, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था बीट द एयर, पढ़ा था शायद हम लोगों ने बीट द एयर, वही है ये वाइल्ड गूज चेस। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो या तो आप क्या कर रहे हैं, यूजलेस एफर्ट कर रहे हैं। अच्छा, या यूजलेस एफर्ट कर रहे हैं या फिर आप इम्पॉसिबल टास्क को कंप्लीट करने का काम कर रहे हैं। कैसा काम, इम्पॉसिबल टास्क का जो हो नहीं सकता, और अगर हो नहीं सकता तो ये जो एफर्ट है ये आपके यूजलेस हो गए। तो ऐसा उसका मीनिंग है वाइल्ड गूज चेस। विद ओपन आर्म्स, अच्छा जैसे हम लोग ओपन आर्म्स से जैसे किसी को गले लगाते हैं, तो गले लगाने के लिए हमें अपने आर्म्स को क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। तो ऐसा अगर करेंगे हम लोग तो इसको हम लोग मानेंगे कॉर्डियली। कॉर्डियली का मतलब जानते होंगे, जैसे मैं इसका हिंदी में बता दूं आपको, मित्रतापूर्वक, है ना, या फिर आप फ्रेंडली नेचर भी आप इसे कह सकते हैं विद ओपन आर्म्स का मतलब। अप्स एंड डाउन्स, अप्स मतलब ऊपर और डाउन मतलब नीचे, इसका मतलब आप कैसे फेस कर रहे हैं सिचुएशन को, हर तरह की ऊपर और नीचे सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है टू फेस एवरी सिचुएशन, कि मैंने अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स को देखा हुआ है कि भाई कभी कभी लाइफ में बहुत अच्छी सिचुएशन आ जाती है और कभी कभी बहुत खराब सिचुएशन आ जाती है। वाइट एलिफेंट की बात करें तो वाइट एलिफेंट का मतलब होता है एक्सपेंसिव बट नॉट यूजफुल। जैसे कि आपने सुना होगा, वैसे तो वाइट एलिफेंट कहीं होता नहीं है, और मान लीजिए कहीं होगा भी तो एलिफेंट एलिफेंट एक ऐसी चीज है जो हमारे जनरली यूज में नहीं आती है ना, हमारे जनरली यूज में नहीं आती। मैंने एग्जाम्पल दिया था आईफोन का, ऐसा नहीं है कि वो यूजफुल नहीं है, पर जस्ट हम लोग समझने के लिए ऐसा कह रहे हैं। स्पिल द बीन्स, अच्छा बीन्स आपने देखा होगा, मान लीजिए बीन्स की बात करें जो सब्जी हम लोग खाते हैं, और स्पिल का मतलब होता है कि उसको खोल देना, है ना, और जब उसको आप खोलते होंगे तो मान लीजिए उसके अंदर कीड़े हैं या नहीं वो आपको पता चल जाएगा। तो एक तरह से वो क्या हो गया, रिवील द सीक्रेट, है ना, आपने वो सीक्रेट को रिवील कर लिया, रिवील द सीक्रेट, और डिस्क्लोज द सीक्रेट भी आप कह सकते हैं। टर्न द कोट, टर्न द कोट का मतलब होता है टू चेंज द सिचुएशन, और टू चेंज द एक्चुअली पॉलिटिकल सिचुएशन आ जाता है इसमें, पॉलिटिकल सिचुएशन। मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई आजकल जैसे बीजेपी की जो पार्टी है वो डोमिनेट कर रही है, तो कई जो होंगे लोग जो कांग्रेस की पार्टी में होंगे, मान लीजिए वो कांग्रेस से बीजेपी में आ जाते हैं, तो उन्होंने क्या कर लिया है, टर्न द कोट कर लिया है। उसके बाद है टेक समबडी फॉर अ राइड, इसका मतलब होता है कि आप किसी को क्या कर रहे हैं, धोखा देने लग गए हैं, या टू बिट्रे समवन, है ना, टू बिट्रे समवन इसको बोलते हैं टू टेक समवन फॉर अ राइड। उसके बाद ऑयली टंग की बात करें तो ऑयली टंग होता है ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हैं, चापलूसी वर्ड्स, है ना, या चापलूसी कहते हैं उसको, हम लोग बोलेंगे कैजोलिंग वर्ड, कैजोल का मतलब भी होता है चापलूसी। तो ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हैं, कैजोल करते हैं, कैजोल मतलब चापलूसी करते हैं। पास्ट मास्टर को हम लोगों ने पहले पढ़ा है, पास्ट मास्टर मतलब एन एक्सपर्ट। जैसे कि कैसे याद करेंगे, पास्ट मतलब होता है पुराना, और मास्टर को आप टीचर से रिलेट करें तो कहते हैं कि जो पहले के जो टीचर थे वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, ऐसा मानने का हम लोगों का नज़रिया है, या फिर आप उसको सिर्फ याद करने के तरीके से ऐसे ले सकते हैं।
और अगर पास्ट मास्टर ऐसा आप याद करते हैं तो इसका मतलब वो कैसे हैं, वो एक्सपर्ट हैं अपने मास्टरी में, अपने अपने प्रोफेशन में। उसके बाद करें वंस कप ऑफ टी, तो ये आपने बड़ा सुना होगा, जैसे कहते हैं इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब मैं ये नहीं कर पाऊँगा, या फिर ये मेरे लिए नहीं है, या फिर ये इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो वंस कप ऑफ टी मतलब वंस इंटरेस्ट, वंस लाइकिंग भी आप कह सकते हैं इसे, और वंस इंटरेस्ट भी कह सकते हैं इसे। तो ये आप देखें जरा इनमें क्या क्या ईजी है। टर्न द कोट मतलब मुड़ जाना, टर्न मतलब मुड़ जाना होता है, और मान लीजिए कोट को आपने मुड़ा दिया है तो आपने क्या कर दिया, सिचुएशन को चेंज कर दिया। स्पिल द बीन्स, बीन्स को आपने स्पिल कर दिया है तो इसका मतलब आपको रिवील पता चल गया सीक्रेट का। वाइट एलिफेंट हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, एक्सपेंसिव बट नॉट यूजफुल। टेक समबडी फॉर अ राइड मतलब आप क्या करने लगे हैं, डिसीव करने लगे हैं। ऑयली टंग मतलब बोलते हैं ना इसकी जुबान ही बिल्कुल चापलूसी वाली जुबान है, तो उसको कह सकते हैं कैजुअलिंग वर्ड्स। अप्स एंड डाउन्स फेस एवरी सिचुएशन। ओपन आर्म्स, जब हम किसी को गले लगाते हैं तो ओपन करते हैं अपने आर्म्स को, तो एक तरह से क्या हो गया, कॉर्डियल बिहेवियर हो गया, बहुत अच्छा बिहेवियर हो गया। वाइल्ड गूस चेस की बात करें तो ये वाइल्ड गूस चेस मतलब आप ऐसी चीज़ों को चेस कर रहे हैं जो यूजलेस हैं, जो इम्पॉसिबल हैं। तो चलिए हर दिन की तरह मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को कुछ idioms देता हूँ जिससे आप जो है देखें इन idioms को, और देखें क्या आप इन idioms को याद कर पाते हैं, मेमोराइज कर पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो मैं ये मिटा देता हूँ और वाइल्ड गूस चीज मिटा देता हूँ, और हम लोग इसको भी मिटा देते हैं, स्पिल द बीन्स को भी मिटा देते हैं। तो ज़रा देखें ये हमारे पास बच गए हैं 6 idioms, और इन 6 idioms की मतलब क्या आप देख पाते हैं, क्या आप बता पाते हैं, टर्न द कोट का मतलब क्या है, वाइट एलिफेंट हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अप्स एंड डाउन्स ईजी हैं, विद ओपन आर्म्स और वंस कप ऑफ टी, तो ये हम लोगों ने कर लिए हैं। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 8 पार्ट इसके कर लिए हैं, तो 8 पार्ट मीन्स 80 idioms कर लिए हैं। आगे हम लोग जल्द और idioms के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और ज़रूर सक्सेस लीजिए।